अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह ये गेमिंग स्कैन की तरह कस्टम होम पेज बना सकते हैं। तो इसके लिए एक टेम्पलेट यूज़ करनी पड़ती है जो कि मैंने खुद बनवाई है अपने छोटे भाई से। तो ये किसी भी थीम पे यूज़ की जा सकती है। इसे यूज़ करने का प्रोसीजर ये है कि आपने WP फाइल मैनेजर में जाना है और यहाँ से WP कॉन्टेंट थीम्स जनरेट पास और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है HTML और सॉरी PHP की। अच्छा जी, टेम्पलेट होम टेम्पलेट इसका नाम रख लेंगे .php। उसके बाद एक ये CSS की फ़ाइल है, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये भी आपने अपलोड कर देनी है। ये लगभग 90% वेबसाइट्स पे वर्क कर जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत PHP आनी चाहिए। अच्छा ये, उसके बाद आपने इधर जाना है और इधर .css सर्च करना है तो ये लाइन आ जाएगी। आपने डबल कोटेशन में वो जो लिंक कॉपी किया है CSS फाइल का, वो इधर पेस्ट करेंगे और इस सारे को कॉपी कर लेंगे और इसे वो जो टेम्पलेट हमने बनाई है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। सेव एंड क्लोज। अब जाएंगे पेजेस, इधर से फ्रंट पेज, और टेम्पलेट से फ्रंट पेज अपडेट। अच्छा जी, तो ये होम पेज की थोड़ी शेप बन गई है। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें टेम्पलेट में अपडेट करनी पड़ती हैं। यहाँ पे कैटेगरीज जो बनाएंगे उनके नेम्स लिखेंगे, वो अब बनाते हैं। तो कैटेगरीज हम भी इस हिसाब से बना लेते हैं। गेमिंग, न्यूज, नॉलेज बेस, टिप्स, बिल्स, बाइंग गाइड्स, रिव्यूज। अच्छा जी, कैटेगरीज हमारी बन गई हैं। अब हम ये कैटेगरीज नेम सर्च करेंगे यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है बाइंग गाइड, तो ये वो कैटेगरी है जो जो यहाँ हॉट राइट नाउ के नीचे शो होंगी। तो ये स्लॉग कॉपी करना है और यहाँ पे लिख देना है जो कि ऑलरेडी सेम ही है हमारा। अच्छा, उसके बाद कैटेगरीज हैं 9 न्यूज़ की और 9 शो होंगी। तो न्यूज़ की हम देखेंगे, न्यूज़ का स्लॉग भी सेम ही है, इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद लर्निंग गाइड्स, ये उसकी जगह हमारा नॉलेज बेस है, इसे यहाँ पे नॉलेज बेस पेस्ट कर देंगे।
जी, ये स्लग आपको करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो उधर शो नहीं होगी। और ये जो मेन होती है कैटेगरी, ये हमेशा लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे शो होती है। अच्छा, ये कुछ पुराने आर्टिकल्स थे जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए थे, रैंडम में से ही, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर यूज़ कर लेते हैं ताकि इसका थोड़ा वेट क्रिएट हो जाए। डोमेन में कम से कम कुछ 4-5 आर्टिकल तो होने चाहिए, फिर जाके कीवर्ड जो है गूगल जो है वो उसे सही वेबसाइट कंसीडर करता है। अगर आपने रैंक एक को भी करना हो फिर भी कुछ होने चाहिए। अब यहाँ से फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करेंगे इसकी, अब हम इसका चेंज करते हैं फुटर। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फूड एडिट करना और मेन्यू बनाना वगैरह सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।